अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब। आज हम मौजूद हैं आल आसिफ पे कबाड़ी मार्केट पे। ये कबाड़ी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के इम्पोर्टेड और लोकल कालीन्स हाथ से जो तैयार किए होते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ जो कालीन हैं वो कौन कौन से कालीन हैं यहाँ पर और उनकी क्या प्राइस में आपको मिल सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ दुकानें, मेरी बैक साइड पर भी देख सकते हैं। ये पूरी मार्केट है क्लीन की। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के कालीन से नज़र आएँगे। अभी हम चलते हैं यहाँ, बात करते हैं ये तकरीबन इनके पास कौन कौन से कालीन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और किस क्वालिटी पे वर मिल जाएंगी आपको। आइए मेरे साथ। बाड़ी मार्केट के अंदर पहली दुकान है इसके ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम कालीन आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको कालीन नज़र आ रहे होंगे। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कालीन अवेलेबल हैं इनके पास और क्या किस कीमत पे आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चन? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त बताइएगा, माशाल्लाह आपके पास बहुत वैरायटी है कालीन्स की और मैंने सुना है ये जो मार्केट है वो सस्ती तरीन मार्केट है कराची के अंदर। हाँ जी, सस्ता तरीन मार्केट है सबसे अच्छा। अच्छा, आपके पास कौन कौन से कालीन्स मिल जाएंगे थोड़ा सा आप दिखा देंगे बता देंगे? पास ईरानी वाला है, तुर्की वाला है। ईरानी कालीन है सही, ये देख सारा ये अलग अलग क्वालिटी है। इसमें कितने में मिल जाएगा थोड़ा सा? ये तकरीबन 15,000 से लेकर 35,000 तक, 15,000 से लेकर 25,000-30,000 तक मिल जाएगा आपको। अच्छा, हाँ। और बराबर में? बराबर वाला इसमें आती है ये वाला 25,000-30,000-40,000-50,000 अलग अलग क्वालिटी है। इसी तरह मुख्तलिफ छोटा सेंटर पीस भी पड़ा हुआ है। अगर कारपेट चाहिए सारा कारपेट पाकिस्तानी वाला है। इस तरफ आ जाओ। इसका ये 30 रुपये फुट है, ये 45 रुपये फुट है। अगर वो वाला सियाचा वाला चाहिए आगे आ जाए करके दिखा देंगे। ये 45 रुपये फुट, इसमें अलग अलग कलर है। ये सारे 45 वाला स्क्वायर फुट। ये अलका वाला क्वालिटी 35 रुपये-40 रुपये-45 रुपये अलग अलग फिट मिल जाएगा आप। इससे भी अलका वाला चाहिए ये भी है। ये 25, हाँ ये सबसे अलका वाला है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये आप लोग कैसे करके देते हैं, किस तरह बना के देते हैं तैयार करके? आपको साइज आके बता आज साइज बता है, बस ऑर्डर कर दो, ये साइज बना दो बस आप बना के दे बना देगा। तो दोस्तों अभी हमने बात की आपको मुख्तलिफ कालीन्स की प्राइस भी हमने बता दी हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ भी दिखा दी कि आपको अच्छी से अच्छी कालीन्स कौन से मिल जाएंगे, हल्की से हल्की क्वालिटी के अंदर कालीन्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे आपसे ज़िक्र किया, ये देख सकते हैं बहुत बड़ी यहाँ पे दुकानें हैं, काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की दुकानें अवेलेबल हैं। यहाँ से आप आके यहाँ बहुत अच्छी कालीन्स ले सकते हैं, अपने ख़ुद देख सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, उनके प्राइजेज़ भी हमने आपको बता दिए मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसे ये देखें मुख्तलिफ किस्म के इस दुकान के ऊपर भी कालीन से पड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। और आगे हम आपको दिखाते हैं मज़ीद, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक इसी तरह दुकानें हैं। यहाँ इनके पास भी मुख्तलिफ किस्म के जो कालीन्स हैं आपको मिल जाएंगे। ये छोटे कालीन्स जो टेम्प्रेरी तौर पे होते हैं ये भी पड़े हुए हैं, और अच्छी इंपोर्टेड कालीन्स जो लेना चाहते हैं क्वालिटीज़ के वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी मुख्तलिफ दुकानें। और मेरे पीछे दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखा दें कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी साइज़ के मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर आप पर्दे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के जो पर्दे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ क्वालिटी के। यहाँ पर ख़ुद ही तैयार किए जाते हैं और तैयार किए हुए पर्दे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये आल आसिफ की बिल्कुल बैक साइड पे है, जन्नत गुल की कबाड़ी मार्केट कहलाती है। ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसके अंदर आपको तमाम किस्म के मुख्तलिफ किस्म के कालीन्स हो गए, कारपेट्स हो गए और पर्दे हो गए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप चटाई वगैरह लेना चाहते हैं तो चटाइयाँ भी मुख्तलिफ किस्म की जो चटाएँ हैं वो भी आपको मिल जाती हैं यहाँ पर मुख्तलिफ। ये पूरी आपको हमने मार्केट दिखाई, वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जो मुख्तलिफ हम मार्केट हैं वो आपको एक्सप्लोर करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं आपको पता चलेगी कि हम मार्केट के अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें हैं और किस कीमतों पे अवेलेबल हैं।